नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे यहाँ सुबह सुबह अभी बन रहे हैं पराठे, तो अब भी बनाने लगी हूँ आस्था के स्कूल जाने के लिए पराठे। आस्था को स्कूल जाना था और आस्था के पापा के लिए भी थोड़ा सा नाश्ता सुबह सुबह, उसके बाद दोपहर का खाना ना बाद पे बनाऊंगी, सिर्फ अभी नाश्ता बना दे रही हूँ। पराठे बना दिए हैं और चटनी है, मिर्ची है और अचार है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा कर रहे हैं पेंट बाहर की तरफ, और आस्था ने नहा धो लिया है और अम्मा के घर की पुताई नहीं हो पा रही थी ना, तो उन्हें सिर्फ बाहर बाहर की पुताई करनी थी। तो आस्था के पापा लग गए हैं आज उनके घर के बाहर की पुताई करने में, और अभी हमारे घर के बाहर की पुताई नहीं हुई है, तो कल और परसों में या तो हमारे भी घर की पुताई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हर लोग अपने घर को सिर्फ नीले ही कलर से करते हैं, जैसे हल्का आसमानी कलर से ही पेंट करते हैं, लेकिन इस बार जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया है, हरे रंग से अम्मा के घर के बाहर की पुताई हो गई है। तो दोस्तों मैं आ गई थी फिर पराठे बनाने के बाद, ये थोड़ा सा मिट्टी बच गया था ना यहाँ पे, तो चूल्हा बनाने आ गई थी। जैसे एक्स्ट्रा में ही एक आध चूल्हा बना रहे तो सही रहता है, कभी एक आध जो जिस पे हम बना रहे हैं खाना भीग जाता है बारिश वारिश में, तो एक एक्स्ट्रा बना रहे तो सही रहता है। मेरे घर में एक भी एक्स्ट्रा चूल्हे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बना लेते हैं, और अगर मिट्टी बचेगी तो चाची जी के लिए भी एक चूल्हा यहीं पे बना के रख दूंगी। यहाँ पे इसलिए बना दिया ना, यहाँ पे एकांत में मतलब सूखता रहेगा, और अपने घर में कभी आस्था छेड़ देती थी कभी कुछ, तो इसलिए यहाँ पे एकांत में बना दिया है और बढ़िया सूख जाएगा। कल थोड़ा सा आधा बनाया था मैंने और आज थोड़ा सा और इतना ऊँचा कर दिया, तो कल के दिन और ऊपर से थोड़ी मिट्टी लगाई जाएगी जब जाके ये चूल्हा जो है कम्प्लीट बन पाएगा। थोड़ी सी फिनिशिंग अभी नहीं दी है, तो फिनिशिंग भी देनी है लेकिन वो कल होगा। तो दोस्तों उसके बाद देखिए आ गई हूँ अपने घर में और करने लगी हूँ घर के काम। थोड़े से बर्तन धो दिए थे, यहाँ पे बाथरूम को साफ कर देती हूँ। बर्तन धोए थे तो बाथरूम साफ नहीं किया था, तो अभी मैं पहले बाथरूम को साफ कर दूंगी। तो अब आ गई हूँ दोस्तों कमरे में जहाँ टीवी लगा है, वहाँ उस वाले कमरे में आ गई थी। झाड़ू यहाँ पे मैंने पहले ही लगा दिया था, पोछा लगा दे रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है, और पोछा लगाने से फर्श भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। जो पहन रखा है मैंने कोटी पहन रखा है, ये अभी नया ही लिया था, जो मेरा पुराना वाला था वो अम्मा ने ले लिया था, तो ये मैंने नई कोटी अब की बार ले ली थी। हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है ना, तो उसके लिए यहाँ पे सभी लोग पहन लेते हैं, बल्कि यहाँ तो सभी लोग गर्मी में भी पहने रहते हैं, मैं नहीं पहनती हूँ गर्मी के दिनों में। और दीपावली की सफाई के लिए दोस्तों कमरे पुत गए हैं, बिस्तर वगैरह मैंने धो ही दिए थे, तकिया के कवर भी मैंने धो दिया था उस दिन जब चंकुरी गए थे, तो यही छोटे छोटे कपड़े ले जाके मैंने साफ कर लिए थे, और पर्दा वगैरह घर के सारे ही साफ हो चुके हैं। अब रह गया बस किचन के थोड़े से बर्तन साफ होना रह गए हैं, और थोड़ा मतलब छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, बाकी जो बड़े बड़े काम थे वो सारे हो गए हैं। पर्दे वगैरह धो तो दिए थे, टांगे नहीं थे मैंने आज, तो टांग दे रही हूँ। एक तो इसकी रस्सी, दो पर्दे हैं तो जिसके कारण भारी हो जाता है, और रस्सी सही से बंध नहीं पाती। मैं सोच रही थी आज तक के पापा बांध देंगे, लेकिन उनका वेट करते करते फिर आज मैं खुद ही बांधने लगी हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा, मुश्किल हो रही थी, टाइट से नहीं कस पा रहा था। मतलब टाइट से कस जाता है तो पर्दे बिल्कुल ऊपर ऊपर से रहते हैं, झूलते नहीं हैं नीचे की तरफ, तो मेरे से बार बार झूल जा रहे थे। फाइनली फिर मैंने देखे इस तरीके से पर्दा लगा दिया है, और अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों अब आ गई थी दुकान में, तो दुकान की भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। तो आज बस ऐसे ही पूरे दिन का जो रूटीन है वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं। और जैसे जैसे सारे काम ख़त्म होते जा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि शरीर भी अब थोड़ा सा बीमार होता जा रहा है, काम करते करते ज़्यादा काम पड़ रहे हैं जिनके कारण।
तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दीपावली वाले दिन तो बिल्कुल ही बैठ जाना है, तबीयत खराब हो जानी है, क्योंकि आज सुबह से ही तबीयत इतनी सही नहीं थी। जैसे तैसे सारे काम किए हैं, दुकान में झाड़ू लगा दी थी, अब आंगन की तरफ जो कमरा है ना चक्की की तरफ, वहां पे झाड़ू लगा दूंगी, यहाँ से कचरा उठा के फिर फेंक दूंगी। यहाँ से फिर आंगन के बाद आंगन में नहीं ले जाती, वरना फिर पूरे आंगन को साफ करना होगा, तो यहीं पे कचरा उठाऊंगी और फेंक दूंगी। तो आज दोस्तों आस्था के पापा ले आए हैं मार्केट से सब्जियों के साथ ये पेपर, पेपर नहीं है, ये है तो कपड़ा ही, कपड़े ही जैसा है, लेकिन जैसे अलमारियों में बिछाने के लिए बहुत पेपर होता है ना, उसी सारा। प्रकार का है, लेकिन ये थोड़ा सा मजबूत और महंगा और ज़्यादा बढ़िया है। तो कितने ये का है मैंने आंटी? मंगवाया था आस्था के पापा से, और ये तो सभी अलमारी में बिछाने मैंने के क्यों लिए, मंगवाया था फिर जितना बच बिछाने के जाएगा वो रख लिए? दूंगी हाँ और बाकी अलमारियों में बिछा दूंगी, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। वैसे तो अभी अलमारी का ही ध्यान है और फ्रिज के ऊपर एक टुकड़ा वीडियो लगाना है, तो बस यही का ध्यान है। और कलर बताइएगा कैसा लग रहा है, ये जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कि ये है कि इसे जब गंदा हो जाए या तो पोंछ दो या तो हल्के हल्के साबुन लगा के इसे धो दो, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। अखबार और कागज़ वगैरह क्या होता था, ख़राब हो जाता था, गंदा हो जाता था, दूसरा लगाना पड़ता था, लेकिन ये इसे एक बार पोंछ दो तो साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसे बिछा लिया है, और अलमारी मैंने नाप ली थी जितना मुझे अलमारी में बिछाना है, हाथों से नाप लिया था, और उस हिसाब से यहाँ पे मैं कैंची से काट दे रही हूँ इसे। अब इसे ले चलते हैं अलमारी में बिछाने। बेशक घर कच्चा है, अलमारी कच्ची है, लेकिन चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। तो दीपावली में ये चीज़ बहुत बढ़िया रही, एकदम अलमारी जो है ना बिल्कुल नया सा हो गया। तो यहाँ पे पहले जो मैंने टुकड़ा काटा था वो ऊपर वाले पे लगा दिया है, और ये एक छोटा टुकड़ा काटा था इसे नीचे पे लगा दिया है। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कैसा लग रहा है आप सभी को। लेकिन दोस्तों इस पेपर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, तो अलमारी के उस तरफ नहीं पहुँच पाई। कोई बात नहीं, उधर वैसे भी सामान रखा रहना है, लेकिन लुक इधर सुंदर लगने के लिए इधर ही मैंने थोड़ा सा बाहर कर दिया, ताकि लुक अच्छा है। अब ऊपर वाले में बिछा दूंगी, ऊपर में थोड़े से सामान थे तो वो मैंने हटा दिए हैं, और ये मैंने नाप लिया था हाथों से जितना मुझे काटना था, काट के ले आई हूँ बिछाने के लिए। और अब देखिए अलमारी कितनी गजब की लग रही है।
तो यहाँ पे पेपर बिछाने के बाद दोस्तों सारे सामान मैंने अलमारी में रख दिए हैं, जैसे रखे हुए थे ना वैसे ही रख दिया है। अभी मिक्सर यहाँ पे रखा है, मिक्सर को ले जाके किचन में रखना है क्योंकि वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, यानी मसाला पीसने की सुविधा नहीं हो पा रही। एक बोर्ड लगवाना है उधर, बोर्ड नहीं लग पा रहा है उधर, इसके कारण यहाँ पे मसाला पीसना पड़ता है। इसीलिए अभी मिक्सर को भी जो है ना यहीं रख दिया है और यहाँ पे पर्दा भी लगा दिया है मैंने आज। उसके बाद दोस्तों दुकान वाले कमरे में आ गई थी, तो जिस दिन कलर किया था ना उस दिन के बाद से साफ़ नहीं किया था फ्रिज को, और ये देखिए छींटे जो है ना अभी तक डले हुए थे, तो मैंने सोचा आज इन छींटों को भी साफ़ कर देती हूँ फ्रिज को चारों तरफ से। और इसके ऊपर क्या होता है कि आटा जब पीसते हैं ना तो आटा एकदम उड़ उड़ के और इस पे आ जाता है, चाहे जितना भी साफ़ रखो लेकिन साफ़ होता ही नहीं है। लेकिन अब ये जो पेपर बिछा दूँगी तो जब भी आटा गिर जाएगा ना हर एक दो दिन पे इसे साफ़ कर दिया करूँगी। मैंने बिल्कुल ना बराबर का काटा, एक भी पॉइंट ज्यादा और कम नहीं है, देखो। यहाँ से तो ये ऊंचा है तो दोस्तों अब और जहाँ भी पेपर बिछाना होगा फिर बाद में ध्यान आएगा तो बिछा दूंगी, अभी मुझे इतना ही ज़रूरत लगा था तो यहीं पे बिछा दिया मैंने पेपर। और ले आए थे कुछ सब्जियाँ, तो इन सब्जियों को डलइयों में भर के धोनी थी तो इसलिए इन डलइयों में निकाल ले रही हूँ, फिर फ्रिज में रख दूंगी। इसी में ही कुछ आ गई हैं अम्मा की सब्जी, तो अम्मा की भी सब्जी रखी हैं, जब वो आएंगी तो ले जाएंगी। बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।